मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर लगातार काम हो रहे हैं। मुरादाबाद को और अधिक खूबसूरत बनाने की कवायद हो रही है, तो वहीं शहर को बेहतर तरीके से बसाने की रूपरेखा तैयार की गई है। अगर हम इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस वित्तीय वर्ष में ऐसे तमाम कार्य किए जा रहे हैं जिसके चलते मुरादाबाद को नई ऊंचाइयों तक पहुँचने में अब देर नहीं होगी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद की जनता के लिए ऐसे तमाम कार्य किए जा रहे हैं जिनके द्वारा मुरादाबाद की जनता लाभान्वित जरूर होगी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर एक एंट्री गेट बनाया गया, तो वहीं इको हर्बल पार्क, अंबेडकर पार्क, मोड़ा तेहिया झील के साथ साथ समाज के हर वर्ग के लिए आवासीय कॉलोनी, खूबसूरत भवन और चौड़ी सड़कें प्राधिकरण की पहल पर की जा रही हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना है कि मुरादाबाद की हमारी ये शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना है कि मुरादाबाद का हमारा ये शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी नैनीताल जाने वाले सैलानी हमारे मुरादाबाद शहर से होकर गुजरते हैं, इसलिए मुरादाबाद को और खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। लगातार काम किया जा रहा है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा, उस हर संभव प्रयास को किया जा रहा है जिसकी जरूरत मुरादाबाद की जनता को है। साल 2024 की बात करें तो आने वाले नए साल में नया शहर हम बसाने जा रहे हैं। इसे नए शहर को 5 सेक्टर में बसाया जाएगा। प्रथम चरण की तैयारियों को लगभग पूरा किया जा चुका है। नए शहर में 2000 लोगों के लिए ऑडिटोरियम, विश्वकर्मा बाजार, मिनी स्टेडियम और कई और सौगात प्राधिकरण जनता को देने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो अपकमिंग वर्ष 2024 है, मैं पूरे शहरवासियों को इस नववर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और ये आशा करता हूं कि जैसे कि आपका बहुत अच्छा पिछला वर्ष बीता है, उससे भी और अच्छा आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला और आपको नित नई सफलताएँ देने के लिए नया वर्ष आए और आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हों। पिछले साल मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा कई सारी चीज़ें जो हैं जो जनहित की हैं और आम जनता को लाभान्वित करने वाली हैं, उन पर कार्य किया गया है और उसी काम को हम लोग इस साल भी 24 में भी आगे बढ़ाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। पिछले साल जैसा कि आप लोग अवगत हैं, हम लोगों ने शहर को एक 3 नई योजनाएँ दी थी, 4, इसके अंतर्गत 300 प्लॉट्स और 300 जो निर्मित भवन है उसकी योजनाएं लॉन्च की गई थी, करीब करीब 300 करोड़ रुपए की कीमत की। इसके अलावा हम लोगों ने इस साल सोनकपुर योजना के लॉन्चिंग के लिए भी ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है और उसको सह्याद्री स्कीम के नाम से हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं शीघ्र ही। अगले साल में शहरवासियों को इसका भी तोहफा मिलेगा। हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ करीब करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत की, वो प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के सिद्धांत पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिद्धांत पर देने के लिए निकाली थी, जिसमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हमारी बिक गई हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने उनका लाभ उठाया है। एक बड़ी संख्या में इस तरफ भी हम लोगों ने कदम बढ़ाया है कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हो शहर में वो नियोजित ढंग से हो और फुटकर ढंग से अवैध रूप से निर्माण न होने पाए। इस दिशा में भी प्राधिकरण को बड़ी सफलता मिली है और ज़्यादातर जगहों पर जो अवैध कॉलोनियाँ बनाई जा रही थी उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है और अगले साल भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। प्राधिकरण अपनी नई स्कीम ला करके जो एक तरीके से शहरवासियों की डिमांड है उसके अनुरूप आवासीय भूखंडों और भवनों की जो मांग है उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेगा। साथ ही साथ जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनको भी नक्शा पास करा करके उनको भी हम लोग फैसिलिटेट करेंगे सो दैट मार्केट में सप्लाई की कमी किसी भी प्रकार से ना होने पाए। और मैं आम जनता से भी अनुरोध करूंगा कि जब भी आप अपना निर्माण करते हैं तो अब ऑनलाइन नक्शा जो ओवी पास सिस्टम है उसके माध्यम से आसानी से पास हो जाता है, तो सभी निर्माण अपने आप नक्शे पास करा करके ही करवाएँ। शुरू से ही मैं बता दूँ कि हमारी रामपुर रोड पर भी नई योजनाएं प्रस्तावित हैं, हमारी जो सोनकपुर योजना है सह्याद्री वो भी लॉन्चिंग उसका प्रस्तावित है। शहर को जो हम लोगों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम शुरू किया है, 24 मीटर की रोड जो कि कांट रोड और दिल्ली रोड को जोड़ेगी, उसका लोकार्पण भी होने वाला है। तो इसी प्रकार से एक हमारा कमर्शियल सेक्टर 2 है जो कि क्या नाम नया मुरादाबाद में है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल
एरिया लोगों को देखने को मिलेगा, उसकी भी बिक्री हम लोग इस साल खोल रहे हैं। और हमें ऐसी उम्मीद है कि वहाँ पर 5-स्टार होटल्स और कई प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी जाएंगी। इसके अलावा प्राधिकरण के द्वारा कई सारे पार्कों पर काम किया जा रहा है, जिनमें से आप लोगों ने देखा कि विगत वर्ष हम लोगों ने हर्बल पार्क के सुंदरीकरण का कार्य किया और साथ ही साथ उसको एक प्रोफेशनल हैंड्स में देकर के उसको जनोपयोगी बनाने का भी काम किया है। इस साल हम लोगों ने लक्ष्य दिया है जो हमारा निर्माणाधीन अम्बेडकर पार्क है वो भी जनता को डेडिकेट कराएं और जो हमारे शहर के बाशिंदे हैं उनको एक अच्छी सुविधा वहाँ प्राप्त हो सके। बच्चे बूढ़े और जवानों को अपनी आय के हिसाब से, अपनी आयु के हिसाब से वहाँ पर सुविधाएं उनको मिल सकें, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगला वर्ष जो है उपलब्धिपूर्ण होने वाला है और प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्राधिकरण का जो रोल है उसके अंतर्गत प्राधिकरण अपनी छवि पर भी काम कर रहा है और मित्र प्राधिकरण के रूप में हम लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके अंतर्गत हम लोग लगातार निवेश आकर्षित कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से आसान बने इस पर कार्य कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो किस प्रकार से बेहतर हो सके इस पर भी हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं।